नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल सनराइज ऑफिशियल के ऊपर। मैं दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा एचटेट का एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ चुका है, तो यहाँ से मैं दोस्तों उसके अकॉर्डिंग एक वीडियो लेकर के चलते हैं। मौर्य साम्राज्य चला हुआ है, दो क्लास हो चुकी है, तो मैंने आप लोगों को बताया था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, दूसरा आप लोगों को बताया बिंदुसार के बारे में। तो आज की जो क्लास शुरुआत करते हैं, मैं दोस्तों कहां से शुरुआत करते हैं, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा मैं दोस्तों किसका, वो नाम पड़ता है किसका, सम्राट अशोक का। तो यहां से मैं दोस्तों आज ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जो पूछे जाते हैं वो महान अशोक से और सम्राट अशोक से क्वेश्चन आते हैं। तो शुरुआत होगा मैं दोस्तों कहां से, इस अशोक के शुरुआत होता है। तो यहां से सबसे पहली लाइन के अंदर जो पहला क्वेश्चन लेकर के चलते हैं, ये लेकर के चलते हैं कि इस महान अशोक का जो शासन काल चलता है। तो यहां से मैं दोस्तों सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, इस सम्राट अशोक का जो शासन काल चलता है, इसका शासन काल कब शुरू हुआ था और इसका शासन काल कब तक चला था। तो इसका शासन काल जो शुरू हुआ, इसका शासन काल शुरू हुआ 269 ईसा पूर्व के अंदर, और इसका शासन काल चला मैं दोस्तों कब तक, 232 ईसा पूर्व तक। तो आपको याद रखना है 279 के अंदर क्या हुआ था, महान अशोक का साम्राज्य शुरू हुआ था और शासन काल कब तक चला, 232 ईसा पूर्व तक चला था। तो यहां से मैं दोस्तों आप क्या सोचते हैं, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि महान अशोक मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर कब बैठा, महान अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ था वो कब हुआ था। तो बच्चा यहाँ पर थोड़ा सा गलती करता है। तो यहाँ से मैं दोस्तों जो दूसरा क्वेश्चन हम लेकर के चलते हैं, यहाँ से ये लेकर के चलते हैं कि ये अशोक जो मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा था, तो यहाँ से मैं दोस्तों आपको याद रखना है कि महान अशोक जो मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा था वो कब बैठा था। बात निकल के मैं दोस्त याद निकल करके आती है कि महान अशोक गद्दी पर कब बैठा था। तो आपको मैं दोस्त मैंने क्या लिखवाया है, 269 ईसा पूर्व के अंदर क्या हुआ था, महान अशोक मौर्य साम्राज्य की मधुस कहां पर बैठा था, गद्दी पर बैठा था। लेकिन क्वेश्चन गद्दी पर तो बैठ चुका था 269 के अंदर, इसके पिता की मृत्यु के बाद ये कहां पर बैठ चुका था, ये मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठ चुका था। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि इस महान अशोक का क्या हुआ था, जो राज्याभिषेक हुआ था। तो यहां से मैं दोस्तों आप लोगों को यह भी याद रखना है कि महान अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ था वो राज्याभिषेक कब हुआ। तो आपको मैं दोस्तों क्या याद रखना है, 273 ईसा पूर्व के अंदर। तो इस बात में ध्यान का याद रखियो रे, जब अशोक का राज्याभिषेक कर दिया था ना, अशोक का राज्याभिषेक कब कर दिया था, 273 ईसा पूर्व के अंदर। के कह दिया था कि अगला जो है ना, अगला राजा कौन होगा, अशोक होगा। लेकिन अशोक ने जो अपना राजपाट जो शासन संभाला था वो कब संभाला था, 279 के अंदर, उसके पिता की मृत्यु के बाद उसने के कर दिया था, अपना पूरा का पूरा साम्राज्य संभाल लिया था। लेकिन उसके पिता ने स्मरण कर पहले ने के कर दिया था, उसको राजा घोषित कर दिया था कि अशोक के बनेगा, राजा बनेगा। इसके बाद हमने याद रखना है, इस अशोक के है ना कई नाम आवे हैं, वो कई नाम एग्जाम में ऊपर पूछा था, के पूछा था, वो सारी की सारी बात हमने याद रखनी है। सबसे पहला नाम याद रखना है कि पुराणों के अंदर, मैंने पिछली क्लास में एक बात बताई थी कि जो एक पुराण है ना, इन पुराणों की जो संख्या पड़ती है, इन पुराणों की संख्या में दोस्त कितनी लिखवाई थी, कारा लिखवाई थी, कितनी लिखवाई थी, सप्त पुराण पुराण मन मत्स्य पुराण बताया था, जिस मत्स्य पुराण के अंदर विष्णु का के मिलता है, विष्णु के 10 अवतार मिलते हुए चीज मैंने बताई भाई। लेकिन ये पुराण फेरावे हैं, मतलब जितनी बार जिस चीज का जिक्र होगा ना, वह चीज उतनी ही क्यों याद रहे, इंपोर्टेंट हो याद रहे। जो पुराण है ना, इन पुराणों की संख्या खाया थी, और इन पुराणों के अंदर जो अशोक का नाम मिलता है, तो याद रखियो, इन पुराणों के अंदर जो अशोक का नाम मिलता है वो क्या मिलता है, तो इन पुराणों के अंदर अशोक का नाम क्या मिलता है, आपको याद रखना है दोस्त के अशोक वर्धन याद रखना है। तो यहां से ये बात याद रख सकते हो कि ना याद रख सकते, कि पुराणों के अंदर जो अशोक का नाम मिलता है उसको क्या मिलता है, अशोक वर्धन। पुराणों की संख्या कितनी, 18 पुराण, सप्त पुराण पुराण उनसा मत्स्य पुराण, किसका जिक्र मिला है, विष्णु के 10 अवतारों का जिक्र मिलता है। इसके बाद मैं अगर हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो पुराणों के अंदर
जिक्र मिलता है, किसका जिक्र मिलता है, अशोक का जिक्र मिलता है। इसके बाद दो अभिलेख आते हैं, एक अभिलेख का नाम पड़ता है मास्की अभिलेख, वह दूसरे अभिलेख का नाम पड़ता है तो क्या गुजरा अभिलेख। ये क्या आए अभिलेख आए, इन अभिलेखा में जो अशोक का नाम मिलता है। दो अभिलेख याद रखियो भाई, सब तो इंपोर्टेंट ही है, यहाँ में है एस्टेट के एग्जाम में, एसएससी जीडी के एग्जाम में सही सही क्वेश्चन आया करे कि मास्की और गुजरा अभिलेखों के अंदर जो अशोक का नाम मिलता है। लो पूरी बात लिख दूंगा, इन अभिलेखों के अंदर जो अशोक का नाम मिलेगा वो अशोक का नाम क्या मिलता है। तो याद नाम पूरा याद रखना है कि अशोक का नाम के लगा, इन दोनों के दोनों अभिलेखा में जो अशोक का नाम मिला है ना, इन अभिलेखा में अशोक का नाम के मिलेगा, अशोक मिलेगा। यह बात याद रख लोगे, इस क्वेश्चन एग्जाम में अगर आवे है तो बार पूछने के कर पाएंगे, गलत लग पाएंगे। क्यों? अशोक का नाम तो क्वेश्चन में आ गया, उत्तर में कितना मारेगा। लेकिन याद रखियो ये दो अभिलेख इसे अभिलेख है जिनमें के मिला है अशोक का नाम के मिलेगा। बाद में दोस्तों जो क्वेश्चन आता है, इसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि मास्की अभिलेख के अंदर जो आपको याद रखना है, मधुस क्या याद रखना है, यहां से ये याद रखना है कि मास्की अभिलेख के अंदर, अभिलेख के अंदर जो अशोक का दूसरा नाम मिलता है। तो याद क्या बात भी याद रख लियो, इसे मास्की अभिलेख के अंदर जो अशोक का दूसरा नाम मिलता है वो क्या मिलता है, तो आपको याद रखना है मधुस क्या याद रखना है, बोध साक्या याद रखना है। तो बात याद रख सकते हो कि ना याद रख सकते हो कि मास्की अभिलेख के अंदर जो अशोक का दूसरा नाम मिलता है तो क्या मिलता है, बोध साक्या मिलता है। इसके बाद आपको क्वेश्चन याद रखना, मतलब इनसे अन्य जो अभिलेख आते हैं, इन इसके अलावा जो अभिलेख आते हैं, कहने का मतलब यूं लिख लियो, अन्य अभिलेखों के अंदर जो अशोक का नाम मिलता है, तो अन्य अभिलेखों के अंदर जो अशोक का नाम मिलता है वो क्या मिलता है, अशोक। अशोक के बाद आपको क्या लिखना है, अशोक प्रियदर्शी की मिलता है, अशोक नाम प्रियदर्शी याद रखना है भाई। अन्य अभिलेखों के अंदर अशोक का नाम क्या मिलता है, अशोक नाम प्रिय दर्शी का मिलता है भाई। तो इस बात में याद रख लियो, इन अभिलेखा का अलग जो अभिलेख है उन अभिलेखा में अशोक का नाम क्यों मिलेगा, अशोक नाम प्रियदर्शी का मिलता है। इसके बाद क्वेश्चन लिखना है अशोक की जो माँ का नाम पड़ता है, मतलब क्या इस अशोक की जो माता का नाम पड़ता है, इसकी माता का नाम क्या पड़ता है, तो इसकी माँ का नाम पड़ा है सुबंद्रांगी देवी। देवी को याद रख लियो, अशोक की जो माँ का नाम पड़ता है क्या पड़ता है, सुबंद्रांगी देवी पड़ता है। और बौद्ध ग्रंथ के अंदर इसकी माँ का जो नाम पड़ता है वो क्या पड़ता है, माता के थी सुबंद्रांगी देवी। लेकिन क्या बात निकल कर क्या आती है, बौद्ध ग्रंथ के अंदर जो इस अशोक की माँ का नाम मिलता है वो क्या मिलता है, आपको क्या याद रखना है, धम्मा याद रखना है। तो बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक की माँ का नाम क्या मिलेगा, धम्मा मिलेगा। वैसे अशोक की माँ का वास्तविक नाम क्या निकल का होगा, सुभद्रांगी देवी निकल करके आता है। इसके बाद आपको याद रखना है जो अभिलेख जो आएंगे ना, जितने भी अभिलेख अशोक ने जो अभिलेख लिखवाए, 14 अभिलेख जो आए हैं, उन अभिलेखा में अशोक की माँ का नाम क्या पड़ेगा, सुभद्रांगी देवी मिलता है। इसके बाद अशोक की जो पत्नी थी, यहां से याद रखना मतलब यहां से ये बात जरूर याद रखना कि अशोक की जो पत्नियों के नाम पढ़ते हैं, पत्नियों के नाम के निकल काओगे, के नाम निकल काओगे। पर याद अभिलेख के अंदर एक आपका लिखवाऊंगा, एक अभिलेख लिखवाऊंगा, एक सतम लेख आऊंगा जिसको रानी का अभिलेख कहा जाता है, उसका नाम पड़ा प्रयाग अभिलेख जो इलाहाबाद के अंदर पड़ता है। यहां से कई क्वेश्चन निकलेंगे जो सतम लेख के अंदर लिखवा जाता है। इस प्रयाग अभिलेख के अंदर जो अशोक की माँ, अशोक की पत्नी का नाम पड़ता है, उसका नाम क्या पड़ता है, आपको नाम याद रखना है मधु से क्या, कारूबा की याद रखना है। तो यहां से आपको याद रखना है मधु से क्या, प्रयाग अभिलेख के अंदर जो अशोक की पत्नी का नाम पड़ता है, नाम क्या पड़ता है, कारूबा की मिलता है। मतलब जो ये अभिलेख था ना जो इलाहाबाद के अंदर पड़ता है, उसके ऊपर रिसर्च किया गया, औरंगू में आता क्या अशोक की जो लुगाई थी ना, उस लुगाई का नाम क्या पड़ा है, कारूबा की पड़ा है। और बौद्ध ग्रंथ के अंदर तो अभिलेख प्रयाग आया, लेकिन एक ग्रंथ आया बौद्ध ग्रंथ के अंदर जो अशोक की पत्नी का नाम पड़ता है वो क्या पड़ता है,
संहिता पढ़ता है। तो यह बात भी याद रख लियो, अशोक की पत्नी का नाम क्या पढ़ता है बौद्ध ग्रंथ के अंदर? संहिता पढ़ता है। देखो मैंने माँ का नाम बता दिया, पत्नी के नाम बता दिया, कारोबार भी याद रखना है और संहिता याद रखना है। ये दोनों के थी, एक के थी, लेकिन के अलग अलग अभिलेखा में एक के मिल गया। इसकी माँ का और इसकी पत्नी का के ही अलग अलग नाम दिए गए हैं। इसके बाद अशोक के पुत्र पुत्रियों के बारे में भी पूछा गया है कि पुत्र कितने थे, पुत्रियों के नाम क्या क्या थे। तो यहां से याद रखना है अशोक की जो बेटी का नाम पढ़ता वो क्या था। आपको याद रखना है, एक बात सुना हुआ अपने बेटे महेंद्र व संग मित्रा को, या बात सुनी होगी गणा ना सुनी होगी। तो बेटी का जो नाम पढ़ता है ना, उसका नाम पढ़ता है मनुष्य क्या, संग मित्रा नाम पढ़ता है। तो इस मित्रा ने याद रख लियो, संग मित्रा कौन थी? अशोक की निर्दोष के मानी जाती है, ये बेटी मानी जाती है, या तो एग्जाम के अंदर संग मित्रा मिलता है, या इसके स्थान पर आपको याद रखना है उसका नाम पड़ता है मृदुष क्या, चारू मिता पड़ता है। तो संग मित्रा याद रख लियो या चारू मिता याद रख लियो, या कौन थी अशोक की मृदुष की मानी जाती है, बेटी मानी जाती है। इसके बाद क्वेश्चन एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है कि अशोक के जो बेटे का नाम पड़ता है, बेटा कौन था? मैंने भी बता था बेटे का नाम महेंद्र बताया और बेटी का नाम संग मित्रा बताया। तो याद रख लियो अशोक के बेटे का नाम के पड़ता है महेंद्र पड़ता है, उत्तर महेंद्र। अगर महेंद्र ना मिले तो इसके स्थान पर इसका दूसरा नाम जो पड़ता है उसका नाम क्या पड़ता है, कुणाल पड़ता है। कुणाल पड़े है भाई। तो मैंने चार पांच नाम अशोक के बारे में, उसके जीवन परिचय के बारे में बताया, उसके परिवार के बारे में बताया, बेटा कौन था महेंद्र था, दूसरा नाम क्या आता है कुणाल आता है, बेटी कौन थी संग मित्रा थी, उसका दूसरा नाम क्या है चारुमिता, प्रयाग विलेख के अंदर पत्नी का नाम क्या पड़ता है कारुवार की पड़ता है, और बौद्ध ग्रंथ के अंदर पत्नी का नाम क्या पड़ता है संहिता पड़ता है। इसके बाद में कुछ जो आपको याद रखना है, किताब आती है एक व्यक्ति का नाम आता है उसका नाम जो पड़ता है मनुष्य क्या पड़ता है कल्लर पड़ता है। बात ध्यान से सुनियो, एक व्यक्ति था उसका नाम क्या पड़े कल्लर नाम का व्यक्ति था, इसने किताब लिखी उस किताब का नाम क्या पड़ा है राज परमी पड़ता है। तो यह बात भी याद रख लियो, कल्लर की एक किताब थी उस किताब का नाम क्या पड़ता है राज तरंगिणी पड़ता है, और इस कल्लर की राज तरंगिणी के अंदर में उस किसका जिक्र किया गया है कश्मीर का जिक्र किया गया है। तो इस बात में याद रखियो कल्लर था, इस कल्लर की एक किताब थी उसका नाम क्या पड़ा है राज तरंगिणी पड़ता है, और इस किताब के अंदर इस मतलब इस किताब के अंदर किसका जिक्र किया गया है कश्मीर का जिक्र किया गया है, और इसके अंदर यह बताया गया कि कश्मीर का राजा कौन था, उस राजा का जो नाम पड़ता है राजा जावो पड़ता है। तो यार क्या बात बताइयो, इस किताब के अंदर क्या बताया गया कि इस कश्मीर का राजा कौन था राजा जावो को बताया गया है। और जो राजा जावो जो था ना, यो नदुस किसका पुत्र बताया गया है अशोक का पुत्र बताया गया है, कि राजा जालोक जो था ना वो किसका पुत्र था अशोक का पुत्र था। इस बात में ध्यान रखियो इस कश्मीर को जो बसाया था, तो यार इस बात में याद रख लोगे कश्मीर को बसाने वाला व्यक्ति कौन था, तो इस कश्मीर को बसाया जो किसके द्वारा गया था महान अशोक के द्वारा क्या किया गया था बसाया गया था। आपने नाम सुना था जम्मू कश्मीर का राजा हरिश्चंद्र का नाम सुना होगा, उसके बाद आपने नाम सुना होगा इस कश्मीर का सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट चीज जो निकल करके आती है वह निकल करके आते हैं मधुस के आर्टिकल, आर्टिकल 35A यहाँ पे बात याद रखियो, आर्टिकल 35A आपको याद रखना है, और दूसरी की याद रखनी है धारा 370 को याद रखना है। तो ये जो आर्टिकल 35 और धारा 370 जो थी इसको मधुस क्या कर दिया गया जम्मू कश्मीर से समाप्त कर दिया गया है 7 अगस्त 2017 के अंदर, जो 2017 के अंदर इसको क्या कर दिया गया था खत्म कर दिया गया था, कि ये था बात के अंदर से मधुस इसको पूर्ण संपूर्ण समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद में तो अगर आपको थोड़ा सा और आगे चलना है, इसके बाद क्वेश्चन आते हैं अशोक का एक सबसे प्रमुख क्वेश्चन जो ग्रुप डी के एग्जाम के अंदर भी पूछा गया था, वो क्वेश्चन आता है क्या कि अशोक ने 261 ईसा पूर्व के अंदर, अशोक ने 261 ईसा पूर्व के अंदर मेदुस कहां पर आक्रमण किया था, तो इसने जो आक्रमण किया इसने मेदुस आक्रमण किया था कहां पर,
इस कलिंग की एक राजधानी थी। तो यहां से इस बात को याद रखना, इस अशोक ने कलिंग की राजधानी पर आक्रमण किया था और उस कलिंग की राजधानी का जो नाम पड़ता है क्या पड़ता है, कोसली पड़ता है। तो कलिंग की राजधानी कोसली पर जो आक्रमण किया वो किसने किया, महान अशोक ने आक्रमण किया था। और इसी आक्रमण के बाद क्या हुआ था, अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था। तो यह क्या बात याद रख लियो, अशोक का जो हृदय परिवर्तन जो है था वो किसके बाद हुआ था, कलिंग के ऊपर आक्रमण करने के बाद हुआ था, क्योंकि वहां पर उसने इतना रक्त देख लिया था। रक्त देख के उसका मतलब सारा का सारा हृदय काम हो गया था। उसका क्या हो गया था, हृदय परिवर्तन हो गया था। मौर्य साम्राज्य इतना इंपोर्टेंट टॉपिक है, ग्रुप डी में यहां पर दो क्वेश्चन आए थे। एक तो क्वेश्चन यू आया था कलिंग का वर्तमान नाम के पड़ा है उड़ीसा पड़ा है, एक यू क्वेश्चन आता सबसे ज्यादा भी किसने लिखवाए थे, महान अशोक ने लिखवाए थे। ये दोनों क्वेश्चन ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो महान अशोक ने कलिंग की राजधानी कोसली पर कब आक्रमण किया था, जो सही से किसा पुरो के अंदर, उसके बाद क्या हुआ था, अध्याय परिवर्तन हो गया था और कलिंग का वर्तमान नाम के पड़ता है उड़ीसा पड़ता है। इसके बाद जब इसका अध्याय परिवर्तन हो गया ना, किसका, अशोक का अध्याय परिवर्तन हो गया, तो इस समय देख रहा इस अशोक ने जो बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी, इसे अशोक ने जो बौद्ध धर्म की शिक्षा को लिया था। लो भाई याद क्या बात और याद रखियो, इसे अशोक ने जो बौद्ध धर्म की जो शिक्षा लिया था वो किस पर ली थी, तो एक व्यक्ति था और उस व्यक्ति का जो नाम पड़ता है, उसके नाम पड़ा है उपभुक्त पड़ता है। तो याद इस बात में और याद रख लियो, अशोक ने जो बौद्ध धर्म की जो शिक्षा लिया था वो किस पर लिया था, उपभुक्त नाम के व्यक्ति से लिया था। इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन याद रखना है, क्या याद रखना है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र वे अपनी बेटी संघमित्रा को कहां पर भेजा था, तो आपको याद क्या रखना नगोस, इसको कहां पर भेजा था, आपको याद रखना नगोस कहां पर, श्रीलंका के अंदर भेजा था। तो अपने बेटे महेंद्र व अपनी बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महान अशोक ने उनको कहां पर भेजा था, श्रीलंका के अंदर भेजा था। इसके बाद क्वेश्चन लिखना है, अशोक के जो अभिलेख आते हैं इन अभिलेखों की बात ध्यान से सुनियो, ये अभिलेख जो है इस अशोक ने अपने अभिलेखों को कितने भागों में बांट दिया था, तीन भागों में, जिसका नाम टेक दिया था क्या का, शिलालेख का नाम टेक दिया था। इन शिलालेखों की जो संख्या पड़ती है, इनकी संख्या कितनी है, 14 पड़ती है। यह चीज गणित बार एग्जाम में पूछी गई है, शिलालेख कितने हैं, 14 शिलालेख पड़े हैं। इसके बाद हमने याद रखना नगोस के गुहा लेख, इन गुहा लेखा की जो संख्या पड़ा है इनकी संख्या पड़ती है 13 पड़ती है। इसके बाद आपको याद रखना नगोस के स्तंभ लेख याद रखना है, अपने घर तक न लगे ये पेपर में पूछ लिए गए हैं, याद रखियो शिलालेख है, इन टोटल शिलालेखा की संख्या कितनी है याद रखियो, 14 है। इसके बाद गुहा लेख कितने हैं, 13 है। इसके बाद स्तंभ लेखा की संख्या कितनी है, 7 पड़ा है। याद का क्वेश्चन के पूछेगा नुमी पूछ सका, शिलालेख कितने, 14, स्तंभ लेख कितने, 7, गुहा लेख कितने, 13 पड़े हैं। ये पढ़ने की जरूरत को नहीं, लेकिन ये दोनों पढ़ने की जरूरत है। सबसे पहले नु लिखो इन शिलालेखों को किस भाषा के अंदर लिखा गया, मतलब जो ये शिलालेख है ना इनको किस भाषा के अंदर लिखा गया था, इनको भाषा जो लिखा गया वो किस भाषा के अंदर लिखा गया है, प्राकृत भाषा के अंदर। भारत के अंदर से जो शिलालेख मिले हैं अशोक के, किस भाषा के अंदर मिले हैं, वो मिले हैं प्राकृत भाषा के अंदर। और इन शिलालेखों की जो लिपि मिलती है, लो भाई भाषा कौन सी थी, प्राकृत थी। अगर लिपि
लिपि कौन सी थी? याद रखियो मैं दोस्त, कौन सी? ब्राह्मी लिपि। तो देखो इसी ब्राह्मी लिख लो, ब्राह्मी ना लिख लो, ब्राह्मी लिपि लिखना है। भाषा कौन सी? प्राकृत निकला है। अगर लिपि कौन सी? ब्राह्मी। किन की लिपि है या शिलालेखा की जो ये अशोक ने लिख रखे है ना, इनके बारे में बताना रहा है। इसके बाद क्वेश्चन लिखना है आपको, क्या याद रखना है? एक लिपि हो रहा है, उस लिपि का नाम क्या है? खरोष्ठी लिपि। लो भाई, या लिपि और आई कुर्सी खरोष्ठी लिपि। शिलालेखा की भाषा कुर्सी थी, प्राकृत थी, लेकिन एक लिपि अलग अलग बन गई और वह लिपि कुर्सी आई खरोष्ठी लिपि। इस लिपि के जो अभिलेख मिलते हो कहां से मिलते हैं आपको याद रखना है तो से क्या? पाकिस्तान से। तो या क्या बात याद रखनी है रे? अशोक की खरोष्ठी लिपि के जो अभिलेख मिले वो कहां से मिले? उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान से। मतलब पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में जो अभिलेख मिले हैं ना वो कौन सी लिपि तक मिले हैं? खरोष्ठी लिपि तक। इसके बाद आपने दो लिपि और याद रखनी है। एक लिपि का नाम पड़ा ग्रीक लिपि और दूसरी लिपि का नाम जो पड़ता है उसका नाम पड़ता है आर्माइक लिपि। आर्माइक लिपि, माइक के माइक लिपि। दो लिपि आई, ग्रीक लिपि और आर्माइक लिपि। ये दोनों लिपियां के जो अभिलेख मिले हैं वो कहां से मिले हैं आपको याद रखना है दोस्त, कहां से? अफगानिस्तान से मिले हैं। लो भाई, मैंने लिपिया के बारे में बता दिया। देखो बात ध्यान से सुनियो, शिलालेखा की संख्या कितनी थी? 14। गुहा लेख कितने? 13। स्तंभ लेख कितने? 7। इन शिलालेखों की संकीर्ण शिलालेखों की भाषा कौन सी? प्राकृत। भारत के अंदर से शिलालेख मिले उनकी लिपि कैसे? ब्राह्मी लिपि। उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान से शिलालेख मिले उनकी लिपि कैसे मिलती है? खरोष्ठी लिपि। अफगानिस्तान से किस लिपि के शिलालेख मिले हैं? खरोष्ठी अग्रीक लिपि और आर्माइक लिपि के शिलालेख मिलते हैं। अब मैं दोस्तों 14 के 14 शिलालेख जो पढ़ते हैं ना, अब इनके ऊपर रिसर्च करेंगे कि क्वेश्चन क्या क्या एग्जाम के अंदर पूछेगा। सबसे पहले अब मैं निकलने वाला हूं मैं उस काम पर जो ये मैंने आप लोगों को क्या लिखवाए हैं, 14 शिलालेख लिखवाए हैं। यहां से मैं उस एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन ये आता है कि ऐसे शिलालेख का नाम बताओ जहां से मैं उस कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। चीज एग्जाम के अंदर यही आती है। दुनिया को मालूम है अशोक की माँ का नाम क्या था, दुनिया को मालूम है अशोक के बाप का नाम क्या था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में दोस्त बहुत रियल बच्चे होते हैं जो याद करते हैं। तो ध्यान से सुनियो भाई, सबसे पहला शिलालेख जो इंपोर्टेंट है मैं बताऊंगा। पहला शिलालेख जो था इसके अंदर के बताया गया है, नू बताया गया है, जितने भी भारत में जो ये पशु आवे हैं इन पशुओं की बलि पर के कर दी है, रोक लगा दी है। इस बात ने याद रखियो, पशुओं की बलि पर जो रोक लगाई उनसे शिलालेख में लगाई, अशोक के पहले शिलालेख में लगाई। बात क्लियर हो गया कि नहीं? जो पशुओं की हत्या कर रहे हैं ना, इन पशुओं की हत्या उनसे शिलालेख के बारे में मेरा वादा किस पर? रोक लगा दो पहले शिलालेख में। इसके बाद याद रखना मैं दोस्त कौन सा अशोक का दूसरा शिलालेख। इस शिलालेख के अंदर क्या बताया गया है? यू बताया गया है कि जो ये पशु थे ना, इन पशुओं के साथ साथ याद रखियो पशु आए दूसरे में दोस्त के आवे हैं, मनुष्य आवे हैं। इन पशुओं की वह मनुष्य की क्या के ऊपर बताया गया है? चिकित्सा के बारे में बताया गया है। एग्जाम में तुम्हें भी लगा या तक ये भी लगा कि पशु वह मनुष्य की जो चिकित्सा के बारे में बताया गया, किस शिलालेख के बारे में बताया गया है? दूसरे शिलालेख के अंदर आता है। मनुष्य और पशुओं की चिकित्सा किस अभिलेख के अंदर होती है? दूसरे अभिलेख के अंदर। पशु बलि की रोग, पशु बलि के ऊपर रोग कौन से अभिलेख में लगाई? पहले शिलालेख में, अभिलेख में लगाई। इसके बाद तीसरा लिखना है और उस तीसरे अभिलेख में क्या बताया गया है उसमें नुकया है अपने अधिकारियों पर कि अपनी प्रजा का क्या करना है, 5 साल में दौरा करना है। तीसरे अभिलेख में क्या बताया गया है कि अपनी प्रजा का 5 साल में दौरा करो 5 साल में दौरा करो और उनको धार्मिक ज्ञान दो। बात समझ में आई कि नहीं आई? 5 साल के अंदर अपनी प्रजा का दौरा करना है, अब उनके देना है धार्मिक ज्ञान देना है। दो धार्मिक ज्ञान है, धर्म से संबंधित तो दो ज्ञान है वो उनसे अभिलेख में बता दिया गया है। तीसरे अभिलेख में के बता दिया गया है, जितने भी बड़े बड़े अधिकारी थे ना उन तक दिया जाओ गांव का मामक है अपना उनका
ज्ञान ने कहो व तीसरे विलेख में बता दी। इसके बाद याद रखना चौथा विलेख, इस चौथे विलेख के अंदर क्या बता दिया, इस चौथे विलेख के अंदर बता दिया दम घोष की जगह बेरी घोष की शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। कायन का मतलब ये है ज्ञान प्राप्त होना चाहिए धर्म सिद्धांत के ऊपर। चौथे विलेख में क्या बता दिया, ज्ञान प्राप्त होना चाहिए ज्ञान के ऊपर बता दिया है धर्म सिद्धांत के ऊपर। अपने जितने भी धर्म है ना, जितना तो धर्म आवे उन धर्म का थमने के होना चाहिए रे, ज्ञान होना चाहिए बेरी कोष की जना तम कोष के बारे में बता दिया कि थमने ज्ञान होना चाहिए धर्म सिद्धांत में। इसके बाद पक्षवे में क्या बता दिया, इसमें मुंह बताया गया है कि पक्षमा भी लेख जो आवे है ना इस अशोक के पक्षवे भी लेख में मुंह बताया गया है कि अशोक ने अपने किसी की भाई अपने कोई से भी भाई की हत्या नहीं करी थी। अशोक ने क्या बताया, सभी लेख में बताया है कि अशोक ने अपने किसी भी भाई की हत्या नहीं की थी। हत्या नहीं करी थी, पांचवें अभिलेख में क्या बता दिया कि अशोक ने अपने किसी भी भाई की हत्या नहीं करी। अलीसा भी लेख में क्या बता गया, उन पांच जितने भी अशोक के भाई थे उनके जीवित रहने की व्याख्या की गई है, उनसे अभिलेख में करी गई है पांचवें अभिलेख में। पेपर में पूछा होगा, मुंह पूछेगा अशोक के भाइयों की जो जीवित रहने की जो व्याख्या की गई है उनसे अभिलेख में करी गई है पांचवें अभिलेख में। इसके बाद याद रखना है छठा अभिलेख, छठे अभिलेख में क्या हुआ है, आत्म नियंत्रण की, आत्म नियंत्रण के बारे में बताया गया कि अपने आत्मा पर क्यों होना चाहिए नियंत्रण होना चाहिए। आत्मा अपने आप पर नियंत्रण ना होता, कई लोग देखे होंगे थम्मा खाएगी, कोई बढ़िया आदमी होगा ना उसकी बुराई करने पर लगे रहोगे, कर लो भाई अगले आदमी है जितनी जिसकी बुराई करोगे ना भाई उसका सतर उतना ही क्यों जाग रहा है, ऊंचा होगा जाग रहा, क्योंकि अगले आदमी नुभेरा कदे किसी का बुरा करे अपना। और बुरे काम का क्या होता है, हमेशा बुरा नतीजा मिलता है। तो पांचवें विलेख के अंदर छठे विलेख के अंदर क्या आता है, आत्म नियंत्रण की, इसके अंदर घोषित किया जाता है कि क्या मतलब आत्म नियंत्रण, इसमें मुंह घोषित कर दिया था अशोक ने कि प्रजा तो है ना सीधा राजा का जाकर मिल सका है, नोबी को शर्मा सका है। ऐसा दूसरा भी लेख था जिसमें अशोक ने कह रहा था कि प्रजा सीधे राजा से जाकर मिले, सीधे राजा से जाकर मिले, तो उनसे अभिलेख में बताया गया है छठे अभिलेख में। इसके बाद लिखना है तो उनका सातवां अभिलेख, इस अशोक के सातवें अभिलेख के अंदर यह बताया गया है अशोक ने जितनी भी के करी थी तीर्थ यात्राएं करी। तो इस बात को याद रख लो, अशोक की तीर्थ यात्राओं के बारे में किस अभिलेख के अंदर बताया गया है, तो बताया गया है तो उनका सातवां अभिलेख है। और चौथा के चौथा अभिलेख में कोई इंपोर्टेंट हो ऊंसा है, यू सातवां है क्योंकि जिस अभिलेख में तीर्थ यात्राओं के बारे में बताया वही अभिलेख के है, इन 14 के 14 अभिलेखों में सबसे बड़ा अभिलेख है। याद रख लोगे सबसे बड़ा अभिलेख या शिलालेख ऊंसा है वो पढ़ता है मधु से अशोक का सातवां शिलालेख सातवां अभिलेख। इसके बाद लिखना है अशोक का मधु से ऊंसा है आत्मा, अशोक के आत्मा शिलालेख अंदर क्या बताया गया है उसकी सफीज के बारे में, अशोक के ने जो सिद्धांत दिए है ना उन सिद्धांत के बारे में जो बताया है वो उनसे अभिलेख में बताया है आत्मा अभिलेख में। तो यह बात याद रखनी है अशोक के सिद्धांतों के बारे में किसमें मिलेगा, आत्मे में, अशोक की तीर्थ यात्राओं के बारे में उनसे मिलेगा वो सातवें मिलेगा। पशु बलि की निंदा उनसे में की गई है, पहले में पशु व मनुष्य की चिकित्सा के बारे में उनसे बताया है वो बताया मैं दोस्त उनसे में। दूसरे में यह चीज याद रखनी है, इसके बाद अशोक का नौवां अभिलेख आवे जिसका नाम पड़े रुदिमय अभिलेख। इसके अंदर क्या कहा गया, सच्चे भेद व सस्ते शिष्टाचार के बारे में बताया गया है अशोक के नौवें अभिलेख के अंदर। सच्ची भेद व सच्ची शिष्टाचार के बारे में बताया गया है, शिष्टाचार के बारे में बताया गया। ऐसे अभिलेख का नाम बताओ जिसके अंदर अशोक के सच्ची भेद व सच्ची शिष्टाचार के बारे में बताया गया है, समाज की व्यवस्था के बारे में बताया गया तो पूछा होगा सच्ची भेद सस्ते शिष्टाचार। इसमें मतलब ये है समाज की इसके अंदर क्या निकल कर क्या कि समाज की मतलब व्यवस्था के बारे में बता कि समाज के अंदर व्यवस्था कैसी कैसी है और ये ऐसे
ऐसा अभिलेख है आकार के अनुसार जो नौवां अभिलेख आ रहा है ना, मैं पूछ कैसा है, सबसे छोटा अभिलेख माना जाता है। तो इस बात को याद रखने लो, सबसे छोटा अभिलेख जो पूसा माना गया है, नौवां अभिलेख माना गया है। इसके बाद याद रखना है अशोक का दसवां अभिलेख, और इसे अशोक के जो दसवें अभिलेख के अंदर के गया गया है, इसमें राजा व अधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि आप प्रजा से जाकर के प्रजा के हित के लिए कार्य करो। इसके अंदर दसवें शिलालेख में के गया गया है, राजा ने के गया है, राजा ने क्या कहा, अपने अधिकारियों को, जो राजा के जो अधिकारी है ना, अधिकारियों को ये कहा है कि आप हमेशा किसके हित में कार्य करोगे, प्रजा के हित में कार्य करोगे, हित में कार्य करोगे। लो भाई यह बात याद होगी होगी, दसवें में के गया प्रजा के हित में कार्य करेंगे, किन का कही, अधिकारियों को, किसने कही, राजा ने कही। नौवें में ये सच्ची शिष्टाचार सस्ते सच्ची भेद सच्चे शिष्टाचार के बारे में सबसे छोटा भी लेख है, समाज की व्यवस्था के बारे में इसके अंदर मिलता है। इसके बाद लिखना है मूसा अशोक का ग्यारहवां अभिलेख, ग्यारहवें अभिलेख के बारे में बताया गया है। इसके अंदर ये बताया गया धर्म के बारे में बताया गया, मतलब क्या दमिक ज्ञान में हुआ है, इसके अंदर के बताया गया दम के बारे में बताया गया। तो यहाँ पे बात भी याद रख लियो, किसके बारे में बताया गया भाई, दम के बारे में बताया गया है। इसके बाद याद रखना है बारहवां अभिलेख, इसके अंदर क्या कहा गया है, बारहवें अभिलेख के अंदर स्त्री महामात्रों के मतलब महिलाओं के बारे में बताया गया है। तो बारहवां अभिलेख जो आवा ना उसमें क्या याद रखना है, महिलाओं को याद रखना है, इसके अंदर महिलाओं के बारे में बताया गया है। इसके बाद सबसे इंपोर्टेंट जो आवा है ना वो होगा वो तेरहवां होगा, और इस तेरहवें अभिलेख के अंदर किसका वर्णन मिलता है, कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। तो ऐसे अभिलेख का नाम बताओ जिस अभिलेख के अंदर कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, वो कौनसा अभिलेख है, तेरहवां अभिलेख है। इसके बाद आपको क्या याद रखना है, चौदहवां अभिलेख, जो चौदहवां अभिलेख है ना इसके अंदर ये कह रहा था कि जनता को आदेश दिया जाता है कि आप अपना आराम से धार्मिक जीवन व्यतीत करो। तो चौदहवें अभिलेख में ये कहा गया है, चौदहवें अभिलेख में यूं कहा गया है, आप अपना अपना जीवन व्यतीत करो। चौदहवें अभिलेख के अंदर जनता को सीधे ये कहा गया कि आप अपना धार्मिक जीवन है व्यतीत करो। तो मधुसी क्या थे, चौदह के चौदह मधुस क्या निकल करके आते हैं, शिलालेख निकल करके आते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन निकल करके आते हैं, ये तो चौदह के चौदह तो मैंने आप लोगों को बता दिया, लेकिन क्वेश्चन क्या आता है 1750 के अंदर, एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा एग्जाम में ये पूछा जा होगा 1750 के अंदर, जो अशोक के शिलालेखों की, अशोक के शिलालेखों की, शिलालेखों की जो खोज किया था, जो खोज की थी। लो भाई 1750 के अंदर जो अशोक के शिलालेखों की जो खोज किया तो किसने किया था, पेंथलर के द्वारा किया गया था। कोई व्यक्ति था उसका के नाम पड़ा है, उसका नाम पड़ा है दोस्त के पेंथलर पड़ा है। इस पेंथलर ने क्या करी थी, अशोक के शिलालेखों की खोज करी थी। और 1837 के अंदर जो आया लिख दूंगा, 1837 के अंदर जो अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा गया था, मतलब 1837 में क्या कर रहा था, अशोक के शिलालेख क्या कर लिए थे, पढ़ लिए थे। और वो पढ़ने वाला जो व्यक्ति था ना उसका नाम क्या पड़ा है, प्रिंसेप्स पड़ा है। तो इस बात में याद रख लोगे ना, याद क्या करना है, प्रिंस लिख कर फिर क्या प्रिंसेप्स लिख दो, प्रिंसेप्स के द्वारा क्या किया गया था, अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा गया था। इसके बाद याद रखना मैं तो सबको के स्तंभ लेख याद रख लोगे, स्तंभ लेख। लो भाई इसके बाद याद रखना है स्तंभ लेख। तो अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी थी, 7 निकल, जो इंपोर्टेंट तो सारी बता दी, स्तंभ लेख कितने थे, 7 स्तंभ लेख पड़ा है। पहले स्तंभ लेख का जो नाम पड़ा है एक मिनट रुक जाओ भाई, पानी पी लो, क्वेश्चन बंद ना करिए दोस्तों, चलन देगा चलू। लो स्तंभ लेख कितने थे, उन स्तंभ लेखा के 7 संख्या पड़े। पहले स्तंभ लेख
देखे तो पहले सतम लेख का नाम के पड़ा है, नाम पड़ा प्रयाग सतम लेख है। इस सतम लेख को सबसे पहले अकबर ने अपने महल इलाहाबाद, अकबर ने इसको अपने महल में स्थापित करवाया था, किला करवाया था इलाहाबाद के अंदर, जिसका नाम था प्रयागराज जो है, प्रयागराज के अंदर इलाहाबाद के अंदर अकबर ने इसको करवाया था, वह स्थापित करवाया था किसको, वो करवाया था प्रयाग शतमलेख को। अयो वो अभिलेख था जिस नाम के का रानी का अभिलेख कहा जाता है, तो रानी का अभिलेख ही अपना है प्रयाग अभिलेख को बोला जाता, जो कि अपना है भाई इलाहाबाद के अंदर पड़ता है। और इस अभिलेख के अंदर जो आकृति मिलती है वो आकृति किस चीज की बनी हुई है, यहाँ का आकृति बनी हुई मैं तो किसका इरण का, और दूसरा याद रखना मैं तो किसका मृग का, इरण और मृग की आकृति जो है किसके ऊपर बनी हुई है भाई, प्रयाग शतमलेख के ऊपर। किसने अकबर ने किया इलाहाबाद के अंदर रानी का, और रानी का भी लेख इसे कहा जाता है शतमलेख को कहा जाता है। इसके बाद आपको जो याद रखना मैं तो क्या याद रखना है, दूसरा शतमलेख याद रखना है, उसका याद रखना मैं तो उस शतमलेख का नाम याद रखना है क्या, दिल्ली टोपरा अभिलेख। देखो ऐसी टोपरा लिख ले, टोपरा टोपरा ही लिख दिया टोपरा, लो भाई यो रात आ घूमो भाई, टोपरा अभिलेख जो दिल्ली टोपरा जो अभिलेख है ना, इस अभिलेख को हरियाणा से दिल्ली लेकर के है, हरियाणा से दिल्ली लेकर के गए थे इस अभिलेख को, हरियाणा का दिल्ली लेकर के जो गया था ना उसका नाम पड़ा मेरे दोस्त के फिरोज शाह तुगलक पड़ता है। फिरोज शाह तुगलक जो है ना इसको किक लेगा था हरियाणा का दिल्ली लेगा था, और यो जो टोपरा जो पड़ा है ना हरियाणा के किस जिले में पड़ा है, अंबाला जिले में पड़ा है, हरियाणा का अंबाला जिले में का अभिलेख हुआ करता अशोक का जो टोपरा अभिलेख था, फिरोज शाह तुगलक ने एक रहा होता था तो किंग ले गया उसने दिल्ली ले गया। और इस अभिलेख के अंदर जो मेरे दोस्त आकृति मिलती है वो आकृति किसकी मिलती है, एक तो बैल की आकृति मिलती है, दूसरा यहाँ पर जो आकृति मिलती है किसकी मिलती है हिरण की, बैल और हिरण की आकृति इस अभिलेख में मिली दिल्ली टोपरा अभिलेख है। पहले किंग था हरियाणा के किले के दिल्ली, दिल्ली में कौन लेगा फिरोज शाह तुगलक, हरियाणा में टोपरा की पड़ा है, हरियाणा के अंबाला में पड़ा है। इसके बाद तीसरा लिखना मेरे दोस्त के दिल्ली मेरठ अभिलेख, दिल्ली मेरठ अभिलेख यो पहले की था मेरठ में, और उसके बाद इसको कित लिया थे दिल्ली में लिया थे, और यो अभिलेख किसका किस दिन लेकर आया था फिर आपने की याद रखना है, फिरोज शाह तुगलक याद रखना है। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, एक शतम लेख और था मेरठ में, और तक मेरठ का बैठ के कित लिया आया दिल्ली में लिया आया। और इस अभिलेख के अंदर क्या आकृति मिलती है किसकी मिलती है, एक तो आपको याद रखना है इरन की, और दूसरी आपको क्या याद रखना है आती की आकृति लिखनी है। इसके बाद आपको याद रखना है चौथा अभिलेख, उस अभिलेख का नाम जो पड़ता है उसका नाम पड़ा मेरे दोस्त के रामपुरवा अभिलेख। तो चौथे अभिलेख का जो नाम पड़ा है ना रामपुरवा अभिलेख पड़ा है, और युग अभिलेख जो पड़ता है कहां पर पड़ता है बिहार के अंदर पड़ता है, तो रामपुरवा भी लेख ही पड़ा है भाई बिहार में पड़ा है, यहां से आकर आकृति मिलती है बैल और शेर की। तो इस बात में याद रखियो यहां पर जो आकृति मिलेगी ना, एक तो बैल की और दूसरी आकृति किसकी मिलेगी शेर की। इसके बाद आपको जो याद रखना है दोस्त कौन सा, इसके बाद एक अभिलेख याद रखना लोरिया अरिसज अभिलेख, लोरिया अरिसज अभिलेख, लोरिया अरिसज अभिलेख। यू अभिलेख भी की क्या पड़ा है भाई बिहार में पड़ा है, लोरिया अरिसज अभिलेख भी की पड़ेगा भाई बिहार में पड़ेगा। और यहाँ पर जो आकृति मिला है मोर और हिरण की, नुए पेपर में होगा मोर और हिरण की आकृति इस अभिलेख से मिली है लोरिया अरिसज अभिलेख से, जो कि बिहार में है, नुए पेपर में होगा बैल और शेर की आकृति की मिली है रामपुरवा अभिलेख पर है बिहार में, नुए पेपर में होगा हिरण और हाथी
याद रखती है कितना मिली है, दिल्ली मेरठ अभिलेख का जो कि फिरोज शाह तुगलक लेकर आया था उतना मिली है। इसे ही से पेपर क्वेश्चन में डिस्टेंस बनाया करा पाता मैं यारे बात बचरेंगे अली ने चीज था मैं बताने लग रहा हूं नुतासो के मां बाप के बारे में सब ना बेरा है इन चीजा के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो थमने ना मेरा पार जाएगा। इसके बाद लिखना लोरी आनंदनगर, इसके बाद जो आपको याद रखना है उस क्या नाम याद रखना है लोरिया लोरिया नंदनगढ़। यदि एक अभिलेख पड़ता है जो लोरिया नंदनगढ़ अभिलेख है ना ये कहां पर पड़ा बिहार के अंदर पड़ता है और यहां से जो आकृति मिलती है वो मिलती है मोर और शेर की। ये लो भाई यहां से जो आकृति मिलता है वो किसका मिलता है तो मोर का और दूसरा आकृति किसका मिला शेर का। इसके बाद लास्ट लिखना है नाम पड़ता है सारनाथ का स्तंभ लेख सारनाथ स्तंभ लेख। एक बात देखियो नहीं पेपर में सबका ज्यादा एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन पूछा है ये सारनाथ का स्तंभ लेख है जो कि किंग पड़ा है यूपी के अंदर पड़ा है सारनाथ स्तंभ लेख किंग है यूपी के अंदर। इसके ऊपर में दोस्त कितने शेर अंकित हैं चार शेर अंकित हैं जो चार शेर अंकित है चार मतलब तीन शेर तो दिखाई दे रहे हैं चौथा दिखाई को निंदा इस बात का तो बेला हुआ चार दिखाई दे रहे हैं मतलब चार शेर है टोटल दिखाई कितने देते हैं तीन देते हैं। इसके बाद अशोक की मृत्यु मनंथाता लिखवाई थी 232 के अंदर हुआ था मतलब 200 लेकर 232 तक के था अशोक का शासनकाल था। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन लिखना है वो क्वेश्चन क्या आता है कि इस मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक आता है इसका जो अंतिम शासक पड़ा है ना उसका नाम पड़ा है बृहद्रथ मौर्य पड़ता है। या बात याद रखियो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था बृहद्रथ मौर्य था। इस बृहद्रथ मौर्य की क्या करती थी हत्या करती थी वध किसने करी थी पुष्यमित्र सुम ने करी थी। या बात याद रखियो पुष्यमित्र सुम ने क्या करी थी मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ मौर्य की हत्या करी थी। इसके बाद एक वंश की शुरुआत होगी सुम वंश की। आज की इस वीडियो के अंदर मैं दोस्तों इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है लाइक शेयर कॉमेंट जरूर किया करो। धन्यवाद।